नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,865 नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 287 दिनों में सबसे कम है। वहीं एक दिन में 197 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट 98.27% है, जो कि पिछले मार्च 2020 से सबसे ज्यादा है। कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत आर्थिक मदद मिल सकती है। हालांकि ये फायदा उन अनाथ बच्चों को मिलेगा जिनके माता पिता में कोई एक या फिर दोनों नौकरी पेशा थे और ईपीएस मेंबर रहे हो। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने ट्वीट कर ईपीएस स्कीम के तहत अनाथ बच्चों को मिलने वाले फायदों के बारे में बताया है। यूपी के लोगों को आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ज्ञात हो करीब 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिम यूपी को जोड़ेगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती जब मनाई गई, तो इस मौके पर संसद में आयोजित होने वाले पारंपरिक कार्यक्रम में राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर और अन्य मंत्री शामिल नहीं हुए। इनकी गैर मौजूदगी पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है, अब आप देश में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर कर सकते हैं। दरअसल घरेलू एयरलाइन गोफर्स ने गुरुवार को डोमेस्टिक नेटवर्क को बढ़ाते हुए 32 नई फ्लाइट शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए एयरलाइन ने अपने घरेलू नेटवर्क में अमृतसर, सूरत, देहरादून और आइजोल को भी शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने किसी समलैंगिक को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया हो सिफारिश और इस बात की सिफारिश की हो। राजधानी दिल्ली में दम घोट रहे प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दायर किया था और कहा कि वो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन यह कारगर तभी होगी जब इस पूरे NCR में लागू किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के समाप्त होने के साथ ही साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अगले T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 15 नवंबर को ये जानकारी साझा की गई। इस मेगा इवेंट में खेले जाने वाले मुकाबलों को देश के 7 शहरों में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले अगले साल T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताए जाने के बाद कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा है। भारतीय T20 टीम के उपकप्तान KL राहुल ने जयपुर में बढ़ते प्रदूषण के कारण जयपुर मैच में होने वाली परेशानियों पर अपनी बात रखी है। जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच से पूर्व शहर में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बारे में KL राहुल से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हम यहां क्रिकेट खेलने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत की रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी निर्मित हैमर मिसाइलों के लिए आदेश जारी किए हैं, जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाएंगे। भारतीय सेना ने अमेरिका से 145 होवित्जर तोप खरीदने का करार कर दिया है, जिनमें से भारतीय सेना को 89 होवित्जर तोप मिल चुकी है। अब जून 2022 तक 56 और तोपें मिल जाएंगी। सेना ने इनमें से अधिकतर तोपें लद्दाख में तैनात कर दी हैं। यहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। आपको बता दें 25 तोपों की आपूर्ति पूरी तरह से तैयार मोड में की गई है। अमेरिका ने ईरान पर नौसेना के एक हेलीकॉप्टर द्वारा असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीके से युद्धाभ्यास करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इसने एक अमेरिकी नौसेना पोत के 25 गज के भीतर उड़ान भरी है और ओमान खाड़ी में इसके आसपास 3 चक्कर लगाए गए हैं। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने कहा है कि ईरानी हेलीकॉप्टर ने अमेरिकी पोत एक्सेस के 3 बार चक्कर लगाए और एक वक्त वो पानी के ऊपर महज 10 फुट की दूरी पर उड़ रहा था। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ऐसे सब कुछ नियंत्रित कर रही है जैसे कि वो आने वाले 100 सालों तक शासन करने वाले हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि सत्ताधारी पार्टी लोकतंत्र की जान लेने पर तुली हुई और वो संविधान को नष्ट करना चाह रही है। उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो तानाशाह बनना चाहते हैं।
जम्मू कश्मीर में केसर की खेती इस साल बड़े पैमाने पर हुई है। अभी कई जिलों में कश्मीरी केसर के फूल खिल रहे हैं। पर्यटकों को इन फूलों की महक यहां खासा आकर्षित कर रही है। बरसों बाद खुशी की बात यह है कि केसर की उपज 18 टन हुई है। इनमें इससे पहले 1990 में 15 टन केसर का उत्पादन हुआ था। ये जानकारी राज्य के कृषि विभाग की रिपोर्ट में सामने आई है। केंद्र की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद कर घटाए जाने के बावजूद कई राज्यों ने अभी तक वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट में कमी नहीं की है। इसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि जनता को अपनी चुनी हुई सरकार से सवाल करना चाहिए कि आखिर अब तक उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटाए। खुद को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अहम क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के तौर पर स्थापित करने और एक रक्षा निर्यातक के तौर पर विश्वसनीयता बनाने के लिए भारत ने अपनी महत्वाकांक्षी ब्रह्मोस परियोजना को जरिया बनाया है। ब्रह्मोस की अत्याधुनिक और शक्तिशाली क्षमताएं न केवल भारतीय सेना को ताकतवर बनाती है बल्कि अन्य देशों के लिए इसे बेहद वांछित उत्पाद बनाती है। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी का दूसरा हफ्ता चल रहा है। वीकेंड पर फिल्म ने जबरदस्त कमाई की है जिसके बाद इसने 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। अब फिल्म की असली परीक्षा वीकेंड्स में होगी जहां पर फिल्म की नजर अब 200 करोड़ को छूने की है। ग्रैंड वेडिंग के बाद राजकुमार राव और पत्रलेखा ने सोमवार रात चंडीगढ़ में एक ग्रैंड रिसेप्शन भी होस्ट किया। इस कपल की रिसेप्शन पार्टी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी आकर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजकुमार राव और पत्रलेखा के रिसेप्शन पार्टी की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की और उन्हें शादी की बधाई दी है। मद्रास उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश संजीव बैनर्जी को मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का सुप्रीम कोर्ट कलेजियम का निर्णय अब केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद आधिकारिक हो गया है। कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की है जिसका अनावरण 12 नवम्बर को प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन ने मेलबर्न उपनगर रोवल में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सामुदायिक केंद्र में किया था। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण के कार्यालय में पहले ऑडिट दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते देखे गए। इस दौरान उन्होंने सीएजी के कामकाज के तौर तरीकों को शानदार बताया है। उन्होंने कहा कि संस्था के तौर पर सीएजी की भूमिका काफी अहम रही है। ऑडिट दिवस का आयोजन एक संस्था के रूप में कैग की ऐतिहासिक उत्पत्ति के अवसर पर किया गया है। अगर तय कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं हुआ तो अगले सप्ताह के मध्य तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकती हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बनर्जी 22 नवंबर को दिल्ली जा सकती हैं। उनके 25 नवंबर को उनके वापस लौटने की संभावना है। अगर आप अपने बचत के पैसों को सही जगह पर निवेश करते हैं तो आप उस पर कमाई भी कर सकते हैं। बचत के पैसों को निवेश करने के लिए रिकरिंग डिपॉजिट हमेशा से एक सुरक्षित निवेश ऑप्शन के तौर पर जाना जाता है और यदि आप आरडी में निवेश करना चाहते हैं तो पोस्ट ऑफिस की आरडी योजना के तहत आप मात्र 100 रुपये प्रति महीने के हिसाब से निवेश शुरू कर सकते हैं। भारतीय डाक की वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा वक्त में पोस्ट ऑफिस आरडी पर 5.8% सालाना ब्याज का फायदा मिलता है। केंद्र सरकार ने 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका के राजनयिक शोम्बी शार्प को भारत में विश्व निकाय का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को लेकर सोमवार को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किए गए एक बयान के अनुसार शार्प 25 वर्ष से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करें। यह अनुभव उन्हें इस नियुक्ति में काम आएगा। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान यात्रा के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें अमेरिकी लोगों से आतंकवाद और सांप्रदायिक हिंसा के कारण पाकिस्तान यात्रा पर फिर से विचार करने का आग्रह किया गया है। भारत जाने वाले अमेरिकियों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने की अपील की गई है। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को अब बिजली का झटका लग सकता है। बिहार में बिजली की दरें पहले से ज्यादा महंगी हो सकती है। नए साल में 10% तक बिजली महंगी हो सकती है। बिजली कंपनियों की तरफ से सोमवार को बिहार विद्युत विनियामक आयोग के सामने सौंपी गई याचिका में सभी श्रेणी की बिजली दरें 10% तक वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर 1000 बैठकों के बावजूद राज्य में शराब की बिक्री हो रही है तो ये प्रशासन की नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विफलता है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री की मंगलवार को हुई शराबबंदी की समीक्षा से पहले मुख्यमंत्री से 15 सवाल पूछा कि 6 वर्षों में शराब में के कितने तस्कर माफिया और अधिकारी जेल भेजे गए हैं। कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्य प्रेमचंद मिश्रा ने वर्तमान राज्य सरकार के विगत एक साल के कार्यकाल को आम लोगों के लिए निराशाजनक बेहाल बताते हुए कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन जहां अंत विरोध की शिकार रही है वहीं अफसरशाही मालामाल है। उन्होंने कहा है कि विगत विधानसभा चुनाव के बाद 16 नवंबर को जोड़ तोड़ बिना स्पष्ट बहुमत से सरकार का गठन करने में तो नीतीश कुमार सफल जरूर है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पिछले दिनों हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क बताए जाने के बाद कांग्रेस नेता मनीष शंकर अय्यर ने भी हिंदुत्व के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय हैं, जबकि हमारी नजर में सब भारतीय हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा भारत की विविधता को किसी ने नहीं समझा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, ललित मिथिला, नरेश सूर्यभूषण ऑफिशियल, मनीष मोहरा, अर्जुन प्रसाद, सिया राम कुमार, गौतम मांझी, सिनोद खान, शत्रुघ्न दास, बबीता यादव, सतीश आजाद, अजीमा फिरदौस, राशिद यादव, प्रेम शंकर यादव, आतिक खान, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम का नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ते प्रदूषण को लेकर लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।